Namaskar and welcome to In Focus. The Congress Party is back in the news, but sadly for the wrong reasons. On top of its recent electoral reverses, there seem to be internal differences of opinion among senior leaders, and as a result, the threat it poses to the United Front government seems to have receded. Here to discuss the new situation is the political secretary to the Congress president, Tariq Anwar. Mr. Anwar, you've just lost something like 70 seats in Punjab and 3 Lok Sabha seats. This is a setback for Congress, isn't it? Of course, a setback, but in Punjab, it was expected because in the last... But it doesn't make it any easier. No, actually in the last election in 1991, the previous assembly election, Akali Dal, they have not participated. But this time, Akali Dal and BJP, they combined together. And that's why, because of combination... You are saying that if you combine it, then you will win. No, I don't think. Because at that time, we were working on that in Punjab, there was a peace and a peace. जो प्रॉब्लम था मिलिटेंसी का, टेररिज्म का, उसको समाप्त करने की कोशिश कर रहे थे, उसको खत्म करने की कोशिश. माफ करिएगा, मैं आपको इंटरप्ट नहीं कर रहा, मगर सिर्फ सेटबैक नहीं है, ये तो काफी सीरियस सेटबैक है आपके लिए. आपके पास वाकई इतनी तो सीटें नहीं है लोकसभा में कि आप 3 हार सकें. देखिए, जहां तक 3 सीट की बात है, पंजाब तो ठीक जो आपको हमने बताया, क्योंकि वहां विधानसभा के साथ लोकसभा का चुनाव था. लेकिन राजस्थान में हम बहुत ही नैरो, हमारा हार हुई है, 1100 वोट से हम हारे हैं. और वहाँ हारने की वजह यह है कि बीजेपी ने लास्ट मोमेंट में नाथूराम मिर्धा, जो कांग्रेस के एमपी थे, उनके लड़के को टिकट दिया, जिनको आपने नहीं दी थी. हाँ, लेकिन उनको और दी क्यों नहीं सर? इसलिए कि हमने दिया एक ऐसे आदमी को जिसका एक बैकग्राउंड था, एक पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन था उस आदमी का. साहब, आपने गलत आदमी को दिया. रामनिवास मिर्धा जी को दिया. जिनको दिया हार गए, जिनको नहीं दिया पार्टी बदल के वो जीत गए. हाँ, तो यू गेव इट टू द रॉन्ग कैंडिडेट. नो, आई डोंट थिंक, क्योंकि ऐसे मौके पर जो नाथूराम मिर्धा जी की डेथ हुई थी, तो ही गॉट द सिंपैथी वोट्स. एक उसमें कोई पार्टी लाइन नहीं था, नॉट ए सिंपैथी वोट्स. तारिक साहब, हम ले सकते थे. बिल्कुल हम ले सकते थे, आई एग्री. लेकिन हमने गलती तो स्वीकार की जा रही है. नहीं, गलती इसलिए नहीं स्वीकार करेंगे कि हमने जो कैंडिडेट दिया था, वो कैंडिडेट हमारा बहुत ही हम कह सकते हैं कि कॉम्पिटेंट था, उसका एक बैकग्राउंड था. लेकिन आपकी हारने की तो इच्छा नहीं थी. नहीं, हारने की इच्छा नहीं थी, बात सही तो है. इस तौर पे, उस तौर पे तो ये आपको मानना ही पड़ेगा तारिक साहब कि कैंडिडेट गलत था. नहीं, कैंडिडेट गलत नहीं था, चूंकि उस वक्त हमने ये सोचा था कि वो उनका लड़का खड़ा नहीं होगा. लेकिन लास्ट मोमेंट में बीजेपी ने उसको खड़ा किया, और फिर नाथूराम मिर्धा की जो मिसेज थी, वो बाहर निकल के उसके लिए कंपेन कर रही थी. तो नेचुरल है, जब एक वीडियो, और भी नाथूराम की वीडियो अगर घूमती हैं, तो लोगों को सिंपैथी वोट तो मिलेगा ही. लेकिन अगर आपने ही उस लड़के को सीट दी होती, तो उनकी माँ आपके लिए कैंपेन करती और आप ही जीतते. वो भी हो सकता था, लेकिन और जहाँ कैंडिडेट की बातें हो रही हैं, तो मुझे ये बताइए चिंदवाड़ा में क्या हुआ साहब, जहाँ पे इलेक्शन की जरूरत ही नहीं थी. वहाँ पे जो सिटिंग कैंडिडेट थी आपकी पार्टी की थी, उनके पतिदेव ने उनको हटा के रेजिग्नेशन करवा के इलेक्शन करवाया, और फिर सीट ही हार गए. वो तो गलती आप स्वीकार करते हैं? हाँ, वो हम मानते हैं कि कुछ जल्दबाजी हुई है. सिर्फ जल्दबाजी? हाँ, नहीं, लोगों ने, वहाँ के लोगों ने इस बात को पसंद नहीं किया, क्योंकि 8 महीना पहले कांग्रेस को वहाँ से जिताकर भेजा था, और 8 महीने के अंदर हमने उनके ऊपर एक फिर से बाय इलेक्शन लाद दिया, एक तरह से मैं कह सकता हूँ. तो उससे वहाँ के लोगों को ये बात पसंद नहीं आई. तारिक साहब, जल्दबाजी नहीं, सख्त गलती की आपने. नहीं, हाथ में एक जो सीट थी आपकी, वो आप खो गए. नहीं, ठीक है, अब उसको आप जो भी नाम दीजिए, लेकिन हम यही मानते हैं कि जल्दबाजी हुई. अच्छा, चलिए, मुझे ये बताइए, इस जल्दबाजी के लिए केसरी साहब ने तो रिस्पॉन्सिबिलिटी स्वीकार कर ली है एज प्रेसिडेंट. बिल्कुल. मगर पार्टी के अंदर हु आर द पीपल हु शेयर द ब्लेम? देखिए, ऐसे तो ये परंपरा रही है, और ऐसा हम सोचते हैं कि एक अच्छी बात है कि जो कांग्रेस पार्टी का प्रेसिडेंट है, जो पार्टी का हाई कमांड है, अगर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ओन कर लेता है, तो उसके बाद कुछ बचता नहीं है.
फिर बाकी लोगों का ये कहने की कोई जरूरत नहीं है कि इसके लिए हम रिस्पॉन्सिबल हैं। कहने की जरूरत क्यों नहीं है? आपके जो पार्टी के इंचार्ज हैं पंजाब में, उनका इसमें कोई हिस्सा नहीं है? अब कांग्रेस प्रेसिडेंट ने ही जब कह दिया तो फिर बाकी लोग तो उसके सभी उनके साथ हैं। जब टीम के कैप्टन रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेते हैं अपने कंधों पे कि टीम उनकी हार गई, इसका तो नहीं ना मतलब कि जो और बैट्समैन हैं और बॉलर हैं उनकी कोई गलती नहीं थी? अब ये उन पर निर्भर करता है या उन पर डिपेंड करता आप है? आप किसी को बचा रहे हैं? किसी को नहीं बचा रहे, हम ये कह रहे हैं कि तो मुझे बताइए फिर आपकी राय में, आपकी राय में व्हाट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी मिस्टर गुलाम नबी आजाद शुड शोल्डर फॉर द पंजाब डिबाकल? गुलाम नबी एज ए जनरल सेक्रेटरी ही वाज रिप्रेजेंटिंग कांग्रेस प्रेसिडेंट, ही वाज रिप्रेजेंटिंग एआईसीसी देयर एंड ही इज लुकिंग आफ्टर द इलेक्शन अफेयर्स, सो ही इज ब्लेमलेस? नो, बिकॉज ही वाज वर्किंग ऑन बिहाफ ऑफ एआईसीसी and AICC president has taken yes. What responsibility should Mr. Kamal Nath bear for allowing his personal desire to become an MP to overrule his judgment? ठीक है, वो तो हमने पहले ही कहा कि that was wrong strategy. तो responsibility उनको तो थोड़ी माननी ही पड़ेगी। हाँ, जाहिर है वो उन्होंने इस्तीफा दिलवाया तो उसकी, लेकिन अगर उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी चिंदवारा की माननी पड़ेगी तो मुझे ये समझाइएगा कि आजाद साहब को पंजाब के लिए क्यों नहीं माननी पड़ेगी? नहीं, आजाद साहब ने कोई इलेक्शन वहाँ लादने की कोशिश तो नहीं किया, वो तो इलेक्शन ड्यू था और वो एज ए पंजाब अफेयर्स इंचार्ज फ्रॉम द एआईसीसी साइड ही वाज लुकिंग आफ्टर दैट अफेयर्स, दैट्स ऑल। तारिक साहब, आपके पार्टी के लोग कभी कहते हैं कि इस समय कांग्रेस पार्टी चलाई जा रही है by three Mias and one Meera. How do you react to that? मेरे ख्याल है किसी कोई भी sensible आदमी इस तरह की बात नहीं कर सकता, I don't think. वो जो quote किया गया है press में, मतलब जिन्होंने ऐसी चीज कही है वो मूर्ख हैं? नहीं, हम मानते हैं कि हम उन्होंने कहा ही नहीं होगा, जिनके जिनके reference से ये बात आई है, I don't think कि उनके stature का आदमी इस तरह की बात कर सकता। आप कह रहे हैं कि उनकी गलती नहीं, प्रेस ने बनाई हुई बात छापी है? मैं तो यही समझता हूँ। चलिए मुझे ये बताएं, do you at least accept, looking at the Punjab results, looking at the Lok Sabha results, कि कांग्रेस की स्थिति जो मई 1996 में पहले से ही काफी नाजुक थी, अब और भी कमजोर हो गई है? नहीं, मेरा ख्याल है कि इसको ऐसा नहीं मानना चाहिए। क्यों? क्योंकि बाई इलेक्शन कोई यार्ड स्टिक होता ऐसा नहीं है। आमतौर बाय इलेक्शन में ऑपोजिशन पार्टीज का फायदा होता है, आप ऑपोजिशन पार्टी हैं, आपका नुकसान हो रहा है। देखिए, ऐसा है कि हम अब कुछ जगह हमने अच्छा भी किया, जैसे फॉर एग्जांपल कर्नाटक में हम वो सीट जीत के लाए जो प्राइम मिनिस्टर की सीट थी, उनके उनकी खाली की हुई सीट असेंबली की सीट हम जीत के आए। हम विधानसभा का सीट उड़ीसा में 30,000 से जीते, वहाँ जनता दल थर्ड पोजिशन पर रही। मगर हिंदी हार्टलैंड में जहां आपको जीतना पड़ेगा अगर आप कभी सरकार मध्य प्रदेश बनाने की उम्मीद रख रहे हैं, वहां पे तो आप सिर्फ हारे नहीं, छिंदवाड़ा में तो बुरी तरह हार गए। नहीं, बुरी तरह नहीं हारे, हम काफी बुरी 3 लाख से ऊपर वोट हमको आया है। लेकिन मार्जिन कितना था? मार्जिन सिर्फ 30 या 35,000 का था, काफी था जी। नहीं, मेरा ख्याल है कि चूंकि वोट परसेंटेज ऑफ वोट, सीट आप 17 सालों के लिए नहीं हारे, हार गए और वो भी जानबूझकर। वो तो हम बताया आपको कि उसकी वजह यह थी कि लोगों ने इस बात को पसंद नहीं किया और यही वजह है। सिर्फ लेकिन इस बात को नहीं, लग रहा है, माफ करें मैं कांग्रेस के लग रहा है साहब जैसे इस समय लोग आपकी पार्टी को पसंद नहीं कर रहे। नहीं, मैं इससे एग्री नहीं करता हूं, क्योंकि कांग्रेस से को जो वोट मिले हैं चंदवाड़ा में भी जो मिले हैं और नागौर में जो मिला है, आप उसको देखिए, वोट कम नहीं मिले, लेकिन परसेंटेज ऑफ वोट ज्यादा पोल होने की वजह से हम पीछे रह गए, ये बात सही है। मुझे ये बताइएगा, रिसेंटली एक ओपिनियन पोल छापा गया ऑफ ऑलमोस्ट 13,000 पीपल इन विच इट इज प्रेडिक्टेड दैट इफ एन इलेक्शन वर टू बी हेल्ड टुडे द कांग्रेस पार्टी वुड गेट नो मोर देन 115 सीट्स। देखिए, ओपिनियन पोल का जहां तक है कई बार ये गलत साबित हुए। अब पिछली बार यूपी असेंबली को लेकर भी ओपिनियन पोल आए थे जिसमें ये कहा गया था कि बीजेपी को एब्सोल्यूट मेजोरिटी मिलने वाली है, नहीं मिले। उसी तरह कई बार ऐसे हमने देखे हैं ओपिनियन पोल गलत साबित हुए हैं, क्योंकि ओपिनियन पोल जो होता है वो मोस्टली अर्बन एरियाज से ही ओपिनियन पोल। लेकिन ये अर्बन एरियाज का नहीं था,
These were 13,000 people chosen representatively across the country. Aren't you being across the country का मतलब ये नहीं है कि rural area से आते हो, कोई कलकत्ते से बात कर लीजिए, आप बम्बई में बात कर लीजिए और मद्रास बात कर लीजिए. अगर मैं आपको एक blunt सवाल पूछूं, आप मुझे एक सीधा साफ जवाब देंगे? Are you scared of an election today? बिल्कुल नहीं. If one were held tomorrow, would Congress win a majority? I can't say majority, but would you be single largest party? Of course. कितनी सीटें मिलेंगी आपको? अब नंबर तो हम अभी नहीं बताएंगे. 200 से ज्यादा? आपको मेरा ऑफ कोर्स कहा था आपने. बिल्कुल, हम समझते हैं कि हम सिंगल लार्जेस्ट 220 से ज्यादा सिंगल लार्जेस्ट पार्टी हम होंगे. आज मगर कहां तक पहुंचेंगे आप? 220 तक पहुंच जाएंगे? पहुंच सकते हैं, मतलब 200 से ज्यादा एंड 220 तक पहुंच सकते हैं? पहुंच सकते हैं. वो है आपके पैरामीटर? इसलिए कि जो वोट बैंक हमसे हमको पिछले 96 में हमको नहीं मिला, वो वोट बैंक हमारे साथ जुड़ रहा है. इस बाई इलेक्शन में भी हमने ये देखा, खास तौर पर मुस्लिम माइनॉरिटीज एंड वीकर सेक्शन, ये हमारे साथ जुड़ा है. तो मुझे एक चीज बताइएगा, अगर ये सारे वोट बैंक आपके साथ जुड़ गए और अगर आपको वाकई उम्मीद है और हौसला है कि 200 से लेके 220 सीटें आपको मिल सकती हैं, और इस CWC की मीटिंग में आपने अपनी सपोर्ट का नेचर भी बदल दिया फ्रॉम अनकंडीशनल टू इशू बेस्ड, तो मुझे ये बताइएगा, when will you pull the plug? ऐसा कुछ नहीं है, अभी हमने कोई ऐसा प्लानिंग नहीं किया. एक हाँ, मैं बताऊं क्यों साहब? क्योंकि आपको पता है कि ये तो कहने की बात है कि 200 सीटें मिलेंगी, असल में अगर इलेक्शन हुआ, आपके MPs आपसे इतने नाराज हो गए क्योंकि उनको पता है कि वो हारने वाले हैं. ऐसी बात नहीं है. देखिए, इलेक्शन हम लादना नहीं चाहते क्योंकि इलेक्शन कंट्री के ऊपर एक तरह से बोझ है. अगर इतना जल्दी अगर हम इलेक्शन होगा इस देश में और हिंदुस्तान जैसे देश में जहाँ गरीबी के इतने प्रॉब्लम्स है, जहाँ हमारी इकोनॉमिक कंडीशन आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, वहाँ बार बार चुनाव होना है कोई अच्छी बात नहीं. तारिक साहब, ये पहली बार है कि मैं सुन रहा हूँ कि एक पार्टी जिनके लीडर कहते हैं साथ साथ कि जी अगर चुनाव हो तो हम नंबर वन पार्टी बनेंगे, और फिर कहते हैं कि नहीं जी लेकिन हम चुनाव नहीं चाहते, वी आर वेरी हैप्पी टू स्टे द नंबर टू पार्टी. हम ये नहीं चाहते कि हम अपनी वजह से ये कहें कांग्रेस की वजह से चुनाव. हम ये जरूर है कि हम इस बात का इंतजार कर रहे हैं या इस बात को हम देखेंगे, क्योंकि हमने इस यूनाइटेड फ्रंट को सपोर्ट किया है एक पार्टिकुलर इशू को लेकर, और वो इशू है कि सेकुलरिज्म को कैसे इस मुल्क में बचाया जाए. तो फिर उस सपोर्ट का नेचर क्यों बदला आपने? इसलिए बदला कि हमने देखा कि बहुत से फ्रंट्स पे ये सरकार ठीक काम नहीं कर रही, खास तौर पर इकोनॉमिक फ्रंट पे, और जिस तरह से प्राइस राइज हो रहा है हर फील्ड में, तो उससे हमको ये लगा कि चूँकि हम भी एक पॉलिटिकल पार्टी हैं और हम सबसे बड़ी पार्टी है जिसके बलबूते पर यह सरकार चल रही है, अगर हम अपने स्टैंड नहीं लेंगे तो लोगों को यही कन्फ्यूजन होगा कि वी आर सपोर्टिंग. Let me put it to you differently. You're only trying to gain mileage from their discomfort, but you're not strong enough and you're not confident enough to replace them. ऐसी बात नहीं है, क्योंकि देखिए हम तो पहली बात ये कि सरकार बनाने की हमने कभी कोशिश की नहीं, क्योंकि हमारा ये मानना था कि पिछले इलेक्शन में हमारे खिलाफ लोगों ने एक वर्डिक्ट दिया था, कांग्रेस के खिलाफ हमको अपोजिशन में रखा था, इसलिए हम अपोजिशन में रहना चाहते थे. अपोजिशन में रहना चाहते हैं? Tariq sahab, maaf karega. On that wonderful note, I think the audience deserves a chance to reflect. We've got to take a commercial break. Let's come back in part two and try and understand ki aap opposition mein kyun rehna chahte hain. That's it for a moment. We'll be back in just a couple of minutes after the break to carry on this discussion and try and see what lies behind that position Mr. Anwar has just elucidated. Welcome back. Tariq Saab, in part one, we talked about the electoral situation facing Congress. I want now to talk about certain issues facing your party, because I think when you say, aap opposition mein rehna chahte hain, this helps explain it. Do you accept that the fact that Ottavio Quattracci is today named by the Bofors papers from Switzerland and wanted by the CBI as a beneficiary means that the needle of suspicion is pointing at your former leader, Rajiv Gandhi? मैं नहीं समझता हूँ, क्योंकि ये बातें कोई नई नहीं है. ये जब से मगर सबूत तो नहीं है. सबूत तो आज भी वो इनकार कर रहे हैं. ही इज स्टिल ही इज
कंट्रडिक्ट, मगर इस बार सीबीआई उनकी अरेस्ट वारंट के साथ कुआलालंपुर पहुंची हुई है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम चाहते हैं कि ये बातें सामने खुलकर आए। कांग्रेस का हमेशा ये स्टैंड रहा है कि बफर्स के मामले में, चूंकि 1989 का जो इलेक्शन हुआ था जनरल इलेक्शन, ये बफर्स के नाम पे हुआ था एंड दैट वाज द इशू, और उस वक्त हम चुनाव हारे थे। हम खुद चाहते हैं कि ये बफर्स का मामला आवाम के सामने, जनता के सामने खुलकर आए तारिक साहब, और जो भी लोग इसके लिए दोषी हैं, रिस्पॉन्सिबल हैं, वो सामने आए। तारिक साहब, फर्क यही है कि ऑक्टावियो क्वात्रोची वाज अ क्लोज फ्रेंड ऑफ मिस्टर राजीव गांधी, दे स्पेंट हॉलीडेज टुगेदर। इन फैक्ट ऑक्टावियो क्वात्रोची'स डॉटर हैज द सेम नेम एज प्रियंका गांधी, शी इज अना मरिया प्रियंका क्वात्रोची, दैट सजेस्ट दैट दे वर वेरी क्लोज। आई डोंट थिंक ऐसी कोई बात है। व्हेन यू से ऐसी कोई बात नहीं है, व्हाट डू यू मीन, कि ये दोस्त नहीं थे या राजीव गांधी ने पैसा नहीं लिया? नहीं, जहाँ तक राजीव दोस्त, तो हमारे पॉलिटिकल, जब हम पब्लिक लाइफ में होते हैं तो सार्वजनिक जीवन में बहुत लोगों से मिलना होता है, पब्लिक लाइफ में बहुत लोगों से मिलना होता है, छुट्टियां, लेकिन लेकिन कोई नहीं, कोई अगर कोई हमारे इसका एडवांटेज लेता हो तो इसका ये मतलब नहीं कि आई एम ऑल्सो इन्वॉल्व इन दैट स्कैम और समथिंग। लेट मी देन आस्क यू, लेकिन राजीव गांधी ने पार्लियामेंट के अंदर और पब्लिकली इस बात को कई बार कहा है कि ना तो वो और ना उनकी फैमिली के मेंबर्स इसमें। यू डिडंट एक्सपेक्ट हिम टू से द ऑपोजिट इन पार्लियामेंट एंड इन पब्लिक, डिड यू? ऑफ कोर्स यू एक्सपेक्ट, ही कुड ओनली हैव सेड इन पार्लियामेंट कि मैंने पैसे नहीं दिए, ही कुडंट हैव सेड द ऑपोजिट। नहीं नहीं, देखिए हम आज भी उसको मानते हैं जो उन्होंने उस वक्त कहा था, और ये बात आज से नहीं, उस वक्त भी जब वीपी सिंह प्राइम मिनिस्टर नहीं बने थे तो उन्होंने ये बात कहा था कि विद इन 15 डेज ही विल expose those names. Tariq Saab, let me ask you a simple question. Given all that we know about Ottavio Quattrochi today, would you at least agree that Rajiv Gandhi showed an error of judgment in allowing such a person to be so close to him? देखिए, it is very difficult. क्योंकि जैसा मैंने आपको कहा कि पब्लिक लाइफ में हमको बहुत लोगों से मिलना होता है। तारिक साहब, ये पब्लिक लाइफ की बात नहीं है। ये इन्होंने छुट्टियां इकट्ठी ली। One's daughter has the same name as the other's daughter, and they've dined and wined together in each other's houses. They were friends. देखिए, ऐसा है कि एक घर में रहने वाले, हो सकता है कि कल हमारा भाई कोई ऐसा काम कर जाए तो इसके लिए हम कैसे रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं? वो हमारे साथ रहता है, दिन रात एक साथ बैठते हैं, उठते हैं, साथ शेयर करते हैं। Is a politician not judged by the company he keeps? No, of course. Should he? Of लेकिन course. उसके बाद after when we जब हम उसको जान जाएंगे कि इस आदमी का ये बैकग्राउंड है, और उसके बाद अगर उसके साथ हम अपना रिलेशन रखते हैं तो वो गलत है। तो आपका डिफेंस ये हुआ कि राजीव गांधी इग्नोरेंट थे? जब तक अगर मालूम नहीं है किसी का बैकग्राउंड, किसी के बारे में जानकारी नहीं है, तो हाउ कैन यू से कि ये आदमी क्रिमिनल है? दिस इज व्हाट यू आर सेइंग, राजीव गांधी इज इनोसेंट बिकॉज़ ही वाज इग्नोरेंट अबाउट क्वात्रोची। बिल्कुल, उनका अगर ऐसी कोई बात होती तो वो कभी उनके साथ वो जो भी रिलेशन था उनका वो नहीं होता। चलिए, तो इसका कॉरोलरी भी यही हुआ कि अगर राजीव गांधी इग्नोरेंट नहीं थे और बाद में ये स्थापित किया जाता है कि असल में उनको पता था, देन विल यू आल्सो एक्सेप्ट दैट ही वाज नो लॉन्गर इनोसेंट? नहीं, क्यों क्यों क्यों, इट्स द कॉरोलरी ऑफ योर पोजीशन। नहीं, पहली बार जैसा हमने आपको कहा ना कि उस वक्त तो उनको इस बात की जानकारी नहीं थी कि कोई आदमी उनके नाम को मिसयूज कर रहा। अगर उसने जानकारी थी तो फिर उनकी मासूमियत उस पॉइंट पे खत्म हो जाती है। हाँ, जानकारी थी तब ना, जानकारी नहीं थी। ठीक है, लेट्स लीव इट देयर, फर्दर एविडेंस विल ऑब्वियसली प्रूव इट वन वे और अनदर। क्या है फर्दर एविडेंस? क्या है? नहीं, जब आएगा। हाँ, जब आएगा, जब आएगा, इट विल प्रूव। दैट मींस दैट एट द मोमेंट द पोजीशन ऑफ योर फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर एंड प्रेसिडेंट इज अंडर अ क्वेश्चन मार्क डिपेंडिंग अपॉन व्हाट फर्दर एविडेंस कम्स आउट। We are still very confident कि उसके बाद कुछ भी नहीं आया। जी, हौसला एक चीज होती है, reality is a different reality है, हम इसको मान के चल रहे हैं कि ये reality है, और हम अपने लीडर के नियत पर, उसके उनके स्टेटमेंट पर किसी तरह का हम शक नहीं करते। अच्छा, मुझे एक चीज बताएं, केसरी साहब जब आपके अध्यक्ष बने थे, he spoke a lot about anti-corruption, but now with all this publicity surrounding Quattrochi, with the fact that so-called hawala tainted leaders are once again being put up by Congress party as candidates, and by the fact that although Mr. Kesari has declared his assets to the CWC, not one other CWC member has declared his assets,
Doesn't it now seem as if all this anti-corruption talk was just talk? और पार्टी बदली नहीं, जो थी राव साहब के जमाने में अब भी बिल्कुल वही पार्टी आज भी है। देखिए ऐसा है कि केसरी जी ने जो लाइन लिया था करप्शन के खिलाफ, वो मैं समझता हूँ कि बिल्कुल सही लिया था और आज भी वो उस पर स्टैंड कर रहे हैं। जहाँ तक के हवाला टेंटेड लोगों की बात आप कर रहे हैं, क्योंकि हम एक तरफ तो ये कहते हैं कि जुडिशरी पर हमें विश्वास है और जुडिशरी जब तक कोई फैसला नहीं करती है किसी भी आदमी को, कैसे आप कल्प्रिट कह सकते हैं? तो फिर राव साहब को क्यों हटाया था सीटीपी के पद से? राव साहब को हमने इसलिए नहीं हटाया था, राव साहब को हमने इसलिए हटाया था, चिट्ठी भेजी गई थी जी उनको 4 बजे आफ्टरनून का अल्टीमेटम दिया गया था, इसके लिए नहीं दिया गया था। किसके लिए दिया गया था? उनके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस आया था सीपीपी में। हाँ, सीपीपी एग्जीक्यूटिव कमेटी के एग्जीक्यूटिव कमेटी ने सर्वसम्मति से उनको कहा था कि वो मगर अगर आप वोट होने देते इट्स पॉसिबल ही मे हैव वन। तो एग्जीक्यूटिव उनको तो चिट्ठी मिली थी केसरी साहब से विद एन अल्टीमेटम। नहीं नहीं ऐसा है ना, क्योंकि एग्जीक्यूटिव कमेटी ने पार्लियामेंट्री पार्टी के एग्जीक्यूटिव कमेटी ने चुन के आई थी और 15 दिन पहले चुनी थी उसको, मेंबर पार्लियामेंट से चुन के भेजा था, उन्होंने सर्वसम्मति से उस उनके कहा था कि वो अपने पद से इस्तीफा दे दें। उस पर कांग्रेस प्रेसिडेंट ने वर्किंग कमेटी बुलाई और फिर वर्किंग कमेटी ने कांग्रेस प्रेसिडेंट को ऑथराइज़ किया कि आप इस पर जो भी प्रॉपर स्टेप हो सकता है आप लीजिए। उसके बाद उन्होंने ये तय किया लोगों से, सीनियर लीडर से कंसल्टेशन के बाद उनको कहा गया कि 4 बजे आप इस्तीफा दीजिए, टाइम उनको दिया गया। नहीं तो ये भी समझाया गया था कि आपको हटाया जाएगा। नहीं ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं था, उनको ये जरूर कहा गया कि अगर इस्तीफा नहीं देते 4 बजे तक व्हाट वुड हैव हैपेंड, फिर वर्किंग कमेटी बुलाई जाती, फिर उस पर डिस्कशन होता। वैसे वर्किंग कमेटी ने कांग्रेस प्रेसिडेंट को ऑथराइज कर दिया था कि वर्किंग कमेटी के जो दूसरे मेंबर हैं जैसे अपने राजेश पायलट साहब, वो कहते हैं कि जी ऐसा तो कोई ऑथराइजेशन नहीं मिला था, उनको सिर्फ यही कहा गया था रिजॉल्व द मैटर नॉट सेंड अ डेडलाइन डिमांडिंग रेजिग्नेशन। नहीं, जब कहा जाता है एप्रोप्रिएट स्टेप, ऑथराइजेशन जब होता है कांग्रेस, हालांकि कांग्रेस प्रेसिडेंट को ऑथराइजेशन की भी जरूरत नहीं, कांग्रेस प्रेसिडेंट हैज अ वास्ट पावर, लेकिन जब कहा जाता है जैसे आप कह रहे थे एप्रोप्रिएट स्टेप, तो उसका क्या मतलब होता है? एप्रोप्रिएट स्टेप का ये है कि जो पार्टी इंटरेस्ट में हो, जो पार्टी इंटरेस्ट में उन्होंने महसूस किया कांग्रेस प्रेसिडेंट, वो किया। पार्टी इंटरेस्ट या कांग्रेस प्रेसिडेंट के इंटरेस्ट में? कांग्रेस पार्टी के इंटरेस्ट में। आप हंस रहे हैं? हंसी की बात है। हंसी की बात क्यों है? नहीं, आपने कहा ना कि कांग्रेस प्रेसिडेंट, नहीं कांग्रेस, क्योंकि आपको पता है, आपको पता है कि मेरे सवाल के पीछे असलियत थी। नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मान के आप चलिए, क्योंकि केसरी जी एक, मुझे एक चीज बताएं, माफ करें, मैं आपको, उनका जो बैकग्राउंड है केसरी जी का, वो एक फ्रीडम स्ट्रगल से आए हैं। तो केसरी जी के बारे में बात नहीं कर रहा, मैं जो केसरी जी की पॉलिसी है उनके बारे में बात कर रहा हूँ। एंड लेट मी आस्क यू दिस, ही हैज मेड एंटी करप्शन अ सीरियस इशू, डू यू बिलीव that today the party is a different party to what it was under Mr. Rao? Yes or no? Bilkul. It is? It is. Is it a more clean party? I think so. And because Mr. Rao has stepped down from those positions also? Dekhi, ek baat tha ke public perception is very important. And public, has the public perception changed? Of course. You are considered a cleaner party. चेंज हो रहा है, एक बैक तो नहीं होगा, इट विल टेक सम टाइम। दिस इज व्हाई यू आर लूजिंग बाय इलेक्शंस एंड व्हाई यू आर लूजिंग पंजाब, बिकॉज़ यू आर अ क्लीनर पार्टी। पंजाब में एक दूसरा इशू था, पंजाब वाज बाय इलेक्शंस का इशू सर, बाय इलेक्शन भी ये इस इशू पर नहीं लड़ा गया था, आपको बताया ना कि एक तारिक साहब, यू रियली थिंक कि जो आप कह रहे थे मुझे पार्ट वन में कि आपको 200 सीट मिलेंगी या 220, इसी वजह के लिए मिलेंगी दैट यू आर अ क्लीनर पार्टी? उसके लिए मिलेगी, क्लीन एडमिनिस्ट्रेशन के लिए मिलेगी, स्टेबल गवर्नमेंट के लिए मिलेगी, जो कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आई थिंक इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द कंट्री लाइक इंडिया। विद योर हैंड ऑन योर हार्ट, इज रियली योर व्यू रादर देन जस्ट अ पॉलिटिशियन स्पीकिंग? और ऑफ कोर्स, दैट केस तारिक साहब, आई हैव टू लेट यू हैव द लास्ट वर्ड। थैंक यू वेरी मच फॉर स्पीकिंग सो ओपनली टू इन फोकस। दैट्स इट फॉर टुडे, वी विल बी बैक नेक्स्ट वीक विद अनदर इंटरव्यूई, बट फॉर नाउ गुड बाय।